गाइस नमस्कार फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले जो है हम कुछ दोस्त मित्र जा रहे थे, तो काफ़ी दिन के बाद मिले थे। तो एक दोस्त ने दूसरी से कहा कि चल किसी दिन मेरे घर आना, तो कहती हलवा ज़रूर ले आना। मैंने कहा तू हलवा तू खुद आए ना, हलवा ज़रूर ले आना। भाई यही सच्ची दोस्ती है, उसमें क्या अपनी। अच्छा अब क्या हुआ कि फिल्टर तो है ही नहीं ना। मेरी फ्रेंड कहती है मुझे सारा दिन मोटापे का गाना गाते रहते हो और कंट्रोल तो है नहीं, मीठा खाते हो। अब दोस्ती की बात है, मैं कहीं मतलब वैसे ही शॉपिंग करने गए तो दोस्त भी मिल गई साथ में, तो मैंने कहा चलो इकट्ठे अच्छा हुआ मिल लिए। और तो मैंने एक ड्रेस पसंद की तो उसकी नज़र उस पर थी, तो उसने कहा, मैंने कहा ये लंबी है ड्रेस, कहती है लंबी है। तो फिर थोड़ी देर के बाद कहती कि मैं मुझे दे दो मैं पैसे दे दूँगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मतलब बाद में थोड़ा सा मुझे गिल्ट का एहसास हुआ, फिर मैंने कहा ये तो फास्ट फ्रेंड है, इससे क्या गिल्ट रखना है ना भाई। सच्ची बात तो बतानी पड़ेगी, इसमें क्या है, भावनाएं दोस्तों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। अब आज सुन लो। मेरी फ्रेंड कहती है कि हमारे घर से कूड़े वाला कूड़ा उठा के ही लेके गया, पहले भी ऐसे ही करता है। मैंने कहा आप कूड़ा ही तरह इकट्ठा करते हो, कहती हम नहीं कूड़ा इकट्ठा करते, हम तो बोलती बंद कर दी उसने, हम तो खाद बनाते हैं। पर भाई अपने मन की भावना चाहे उसके बाद जो मर्जी सब जवाब आ जाए, अब ये थोड़ी है कि मन की भावनाएं दोस्तों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, किसी और को। हम कहते नहीं ना ही सुनते हैं हम भाई, ठीक है। अब जो फास्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करने का भी अंदाज अलग होता है भाई। दो तीन दिन फ़ोन ना आए तो बड़ी उदासी सी हो जाती है, और फ़ोन मिलाते ही ओए तू जिंदा है भाई। हाँ मैं जिंदा हूँ, थोड़ी सी बिजी थी मैं। फिर हमारा जवाब क्या होता है भाई, तू तो बहुत बिजी है वेले तो हमें, यही स्टाइल होता है। अब मेरी इसी फ्रेंड को, मेरे को बड़ी मिर्चा लगी है, मेरी इसी फ्रेंड को ना मेरे पेट टॉफी से, मेरी कैट है उससे थोड़ी सी एलर्जी है। उसका ये मानना है कि पेट के रखने में जितने पैसे खर्च होते हैं वो किसी अच्छे काम में लगाओ। तो मतलब मुझे बड़ी परेशानी है इसके लिए। मुझे लगता है इस बात को यहीं छोड़ देती हूँ कि फिर अलग से वीडियो बनाऊँगी अपनी भड़ास निकालने के लिए। तो भैया दोस्ती का अर्थ है कि सुख दुख का साथ और भावनाओं की सच्ची व्यक्ति। आपको क्या लगता है? धन्यवाद। आपके दोस्त और मेरे दोस्त भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बाय। कल वैसे संडे को जो है वो फ्रेंडशिप डे है, मैं तो भूल गई दोस्ती के बहाव में।